Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is CaKavita और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेस रिलीज जो कि हमारे पास 12th of November 2021 को आई है. ये प्रेस रिलीज किसने इशू की है? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जीएसटी रिफंड के रिगार्डिंग. जीएसटी रिफंड के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने अभी अभी हाल ही में एक प्रेस रिलीज दी है जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि रिफंड जो है एक इंटीग्रल पार्ट है किसका? जीएसटी फ्रेमवर्क का. और ये जो रिफंड है ये प्रोवाइड किया जाना चाहिए टैक्स पेयर को विद इन द टाइम पीरियड स्टिपुलेटेड, यानी जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर जीएसटी रिफंड क्लाइंट को मिल जाना चाहिए, जीएसटी टैक्स पेयर को मिल जाना चाहिए. तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस को करने में आसानी हो, इसके लिए क्विक सैंक्शनिंग की जा रही है. किसकी? रिफंड्स की. टाइमली रिफंड दिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू. तो इसमें क्या दिया हुआ है? द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज इनिशिएटेड अ 1 month रिफंड ड्राइव टू एक्सपेडिएट द प्रोसेसिंग एंड सैंक्शनिंग ऑफ जीएसटी रिफंड्स. द एम इज टू एंश्योर दैट देयर शेल बी जीरो पेंडेंसी, यानी जो पेंडेंसी है जीएसटी रिफंड की वो कितनी हो जानी चाहिए? जीरो. सारी के सारी ये पेंडेंसी जो है वो खत्म करना चाहते हैं, जितनी भी जीएसटी रिफंड की पेंडिंग है हरियाणा गवर्नमेंट के पास. फॉर ऑल रिफंड्स एंड फील्ड फॉर्मेशंस हैव बीन डायरेक्टेड टू एंश्योर दैट नो रिफंड प्रोसेसिंग शैल बी पेंडिंग. कोई भी रिफंड प्रोसेसिंग पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए 60 डेज से ज्यादा. द ड्राइव शैल बी एंड ऑन 8th December 2021, यानी वो उनकी कोशिश क्या है कि 8th of December 2021 से पहले वो अपना रिफंड जो है पूरा का पूरा इनिशिएट कर दें, वो सारा का सारा रिफंड जो है वो क्लियर कर दें. तो गाइज ये था हमारे पास जो प्रेस रिलीज इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.